Hey guys, welcome to the 6th episode of Ask Vivi, और ये वो episode है जहाँ पे अबे तू हर बार introduce करता है, मुझे करने दे। अबे सबके बस की बात नहीं होती। अबे हट ना मैच। Welcome to the 6th episode of Ask Vivi, जिसके अंदर आप बीवी से और इसके दोस्तों से अपने मन के सवाल पूछ सकते हो। बे हम क्या ट्यूशन के दोस्त हैं जिसको बर्थडे पार्टी में कोक और चिप्स के साथ कोने में बिठा दिया? नहीं नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ मुझे करने दे। Let's begin. यार ये जो छोटी ईट पे संगीत सुनाई दिया बड़ा तेज था। नहीं अरे यही तो है वो मीवी का रोम स्पीकर जो तुम्हें दिवाली पे गिफ्ट में नहीं दिया था। अच्छा अच्छा, क्या जबरदस्त क्वालिटी और कितनी तेज आवाज आती है। लंबा चलता है? अरे बहुत लंबा चलता है मम्मी, तुम इस पे सुबह के भजन सुन सकती हो बहुत देर तक। तो ये वो एपिसोड है जहां आप मुझसे, मेरे दोस्तों से और मेरे परिवार वालों से अपने मन के सवाल पूछ सकते हैं। और इस बार तो इतने सारे सवाल आए हैं कि मैंने बहुत बारीकी से वो सवाल चुने हैं जो थोड़े यूनिक और डिस्टिंक्टिव हैं। क्या दुष्यंत, क्या अंकल डिस्टिंक्टिव मतलब बहुत दूर? वो डिस्टिंक्ट होता है शशि थरूर का थूके हुए गुटके। जीजा जी डिस्टिंक्टिव मतलब विशेष, खास। अच्छा 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 अच्छा। तो पहला सवाल है समीर के लिए। हाय माय नेम इज कल्प एंड आई वांट समीर टू सिंग चिकनी चमेली। आई हिकनी हमेली हुप के अकेली पौवा हड़ा के आई। एक और है, आई लव द राइवलरी ऑफ टीटू मामा एंड मिस्टर होला, आई वुड लव टू सी मोर ऑफ देम। ये लोगों को दूसरों की लड़ाई देखने में क्या मजा आता है? तभी तो देश में बिग बॉस हिट है। अगला सवाल है टीटू मामा के लिए। टीटू मामा, व्हाट इफ समवन प्रपोजेस मामी? बेटा उस बच्चे को पता नहीं होगा कि तेरी मामी की शादी हो चुकी है। अगर पता हो और फिर भी प्रपोज मारे तो? हेलो, गांड तोड़ दूंगा किसी ने प्रपोज किया तो। क्या तोड़ दूंगा? कैसे सुनाई दिया, वो तो बहुत धीरे बोला। अंकल ये थंडर बीट्स है ना, मस्त साउंड क्वालिटी, एकदम एकदम बारीक से बारीक चीज सुनाई देती है। बीबी पे अभी इसकी सेल चल रही है, बहुत बढ़िया प्राइस पे ले लो। ओ सेल्समैन, अगला सवाल तेरे लिए। सुभाष दाबोजे ने पूछा है, हाउ इट फील्स दैट टीटू मामा मेट जॉनी सिंस एंड यू आर स्टिल वॉचिंग हिम ऑन स्क्रीन। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, पहुंच लगा के कोई भी मिल सकता है। पहुंच लगा के मैं ओबामा से नहीं मिलूंगा, वो टकले से मिलूंगा। होट दिल पे लगी कोई चोट नहीं लगी। और यार मिलना कोई बड़ी बात भी नहीं है, मैं मिलूंगा दुनिया के सबसे बड़े स्टार से। किससे? दीपक कलाल से। अगला सवाल मेरे लिए, व्हाट इफ यू वेक अप वन डे एंड सी योर सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स जीरो? नहीं यार मुझसे कोई पूछता ही नहीं। अगला आप ही के लिए। अच्छा अच्छा, मोह पूछ रहा है, बबलू जी हाउ डिड यू प्रपोज भुवंस मदर? हमारी तो अरेंज मैरिज हुई थी, नहीं उसमें क्या प्रपोज, लेकिन शादी के बाद तो कभी आई लव यू नहीं बोला। भूल गई तुम, हर शुक्रवार को दफ्तर से आते टाइम तुम्हारे लिए गजरा लेके आता था, फिर दोनों आइसक्रीम खाने जाते थे बाहर। जरूरी नहीं है कि हमेशा आई लव यू बोलने से ही प्यार का इजहार हो, ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे एक्शन ही आई लव यू से बहुत बड़े होते हैं। नहीं तो आजकल आई लव यू तो कोई भी टुच्चा चुच्चा बोल देता है। नहीं वाह जीजा जी, ये होता है प्यार, आजकल के जमाने में तो मिसेस फिदा हुई मिस्टर पर, शाम को दोनों बिस्तर पर। नेक्स्ट इज फॉर समीर, आपकी क्रश हॉलीवुड में कौन है? मिला क्यों नहीं? मिला क्यों नहीं, अरे मिल जाएगा, इसको लड़के पसंद है। नहीं पापा, मिला क्यों नहीं लड़की है। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट है टीटू मामा के लिए, हेलो दिस इज आमिल फ्रॉम लंडन, टीटू मामा एनी प्लान्स टू एक्सपैंड योर बिजनेस टू यूके और यूएस? बिजनेस? ओह नो, तू तो बैंक में नौकरी करता है? हाँ जी दादी, बैंक का ही पूछ रहा है। नहीं हाँ वही वही वही, कि कब एक्सपैंड करोगे बैंक को यूके या यूएस में? अब पंजाब नेशनल बैंक की एक और ब्रांच खोल रहे हैं हम कनाडा में। क्या? अगला सवाल बंछोड़दास के लिए, तूने लोगों को बताया है कि नहीं तेरी माँ है? कोई सवाल नहीं पूछ रहा मुझसे। अरे मैं पूछ लेता हूँ, चाय पिला दोगी? कीड़े पड़े इसके मफलर पे। बंछोड़दास, व्हाट इज योर बिगेस्ट स्किल और टैलेंट? मैं रैप कर सकता हूँ। अरे इसको वो मिठाई का डिब्बा दे दो, रैप कर देगा, 5 रुपए बच जाएंगे, घर में स्टेशनरी। पापा गाने वाला रैप। अच्छा सुनाइए। वन थिंग
I don't know why, it doesn't even matter how hard to try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain a few times. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day, the clock takes life away. It's so unreal. Then look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, still didn't even know, wasted it all. To where you go, kept everything inside and even know I tried. It all fell apart, what it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard. आप लोग फिक्शनल हो. एक और है, when will you release your next original song? अभी दो हफ्ते पहले अजनबी आया है, मेरा नया ओरिजिनल सॉन्ग, एंड बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है. एप्पल म्यूजिक में ग्लोबली नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा था और ये एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है. एंड मुझे पता नहीं वो कैसे हुआ है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया गाना, थैंक यू सो मच. और पापा को भी बहुत पसंद आया. नहीं पापा? हाँ हाँ, मैंने भी तो अपने वो कॉलर हेडफोन में सुना था, कितनी मज़ेदार क्वालिटी वो बास वास आता है बीट के साथ, बहुत बढ़िया बेटा. और बनाया ना? हम लोग कुछ ज्यादा तारीफ नहीं कर रहे मीवी की. अरे क्यों ना करें बेटा, जहाँ आजकल के जमाने में बाहर की कंपनियां हमारे देश में बिजनेस कर रही हैं, वहीं मीवी जैसी कंपनी जो कि इंडिया की अपनी कंपनी है, वो इतने बढ़िया प्रोडक्ट बना रही है तो तारीफ करनी तो बनती है ना. अगला क्वेश्चन मम्मी के लिए, बिफोर योर मैरिज हाउ मेनी बॉयफ्रेंड्स डू यू हैव? आपकी शादी से पहले कितने बॉयफ्रेंड थे? ये कैसा वाहियात सवाल हुआ यार. क्यों, तुम बता सकते हो दूसरों को अपने कॉलेज की चिपकलियों के बारे में? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था स्कूल में, लेकिन मेरा दिल विनोद खन्ना और धर्मेंद्र पे आके अटका था. मैं उनकी मूवियां 10-10 बार जाके देखती थी. जिसने भी ये सवाल पूछा है बड़ा बदतमीज लड़का है. एक और है, बाय द वे जब आप घर पर नहीं थे तब बबलू जी और टीटू मामा ने मिलकर पार्टी करी थी. क्या? कब करी थी पार्टी? अरे दीदी, जब तुम बाहर नहीं गई थी तो जीजा जी और मैंने वो पिया था. वो क्या था? विस्की. किसकी बात कर रहे हो जीजा जी? हमने वो जूस पिया था ना, पोमोग्रेनेट का जूस पिया था. हाँ, हाँ, प्रेग्नेंट जूस. अगला सवाल समीर के लिए, हेमा सिंह ने पूछा है व्हाई समीर लुक्स सो क्यूट. अरे वाह, दतोड़े नटखट. थैंक यू दीदी, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू. मामा आपके लिए अगला सवाल है, विच कार्टून कैरेक्टर यू लाइक द मोस्ट? यार ये बड़ा मजेदार गेम है, करते रहना चाहिए. नहीं, अगला आपके लिए ही है, आपका मिसेस वर्मा के साथ क्या रिश्ता है? इतना वाहियात गेम है ये, किसी में अक्ल नहीं है. कौन खेलता है ये सब गेम? फालतू गेम है ये, मत खेलो. ये क्या बेकार गेम है? ऐसे कोई सवाल पूछता है क्या? तुम देख रहे हो क्या बोल रहे हो? कैसा कैसे सवाल पूछ रहे हो यार? कैसी पागल तो नहीं हो गया? पता नहीं इसमें मैं कैसे बच्चे हैं, पढ़ से बच्चे कैसे सवाल पूछते रहते हैं. मामा अभी समझाओ मैंने क्या किया है. कोई काम धंधा नहीं है. जैसा कि तुम्हें पता है कि मीवी के ईयरफोन और हेडफोन बहुत बढ़िया क्वालिटी के होते हैं, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मीवी की बिग बैंग सेल चालू हो गई है. इसके अंदर क्या कॉलर ईयरफोन मिलेंगे तुम्हें 1299 में, थंडरबीट मिलेगा 1099 में, और रोम स्पीकर मिलेगा 999 में. अरे ये क्या एवेटर का सेट आ गया भाई? इसके अलावा जो बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे भी स्पेशल डिस्काउंट है. और मैं क्या कहता हूँ कि नीचे ये जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाके लिंक पे क्लिक करो और तुम्हें मिलेंगे ऐसे डिस्काउंट, तुमसे संभले नहीं जाएंगे. बहुत एक्सक्लूसिव है, ठीक है, और ये लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो जितना जल्दी हो सकता है ले लो. अब क्या तुम मेरे साथ संडर्स में चलेगा?